नमस्कार, मैं हूँ सपन विश्वास, अंडमान एंड निकोबार न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, ऐसा है कि आज हम लोग आए हैं यहाँ में एडोजट्टी पोर्ट ब्लेयर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोग सामने ही ये सब खड़े हैं पैसेंजर्स, जो कि हटबे से पोर्ट ब्लेयर से हटबे के लिए ट्रैवल करने के लिए आए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो ने जो रूल बनाया है पब्लिक के लिए कि ऑनलाइन कर दिया सारे टिकट। देखिए, ऐसा है कि ऐसा भी पब्लिक है जो अपना सेल भी ठीक से ऑपरेट नहीं कर सकता। आप हमको ये बताएं कि ये सब पब्लिक टिकट कैसा करेगा, जिसका वजह से उसको काउंटर में जाकर टिकट लेना पड़ता है, और जो जो क्वालिफाइड है, जिसको कंप्यूटर चलाने आता है, उस लोग जो है अपने ही घर में ऑनलाइन कर लेते हैं। आइए, यहाँ में जितने भी पब्लिक आप लोगों के सामने खड़े, आइए बात करते हैं इनसे। भाई, आपका नाम क्या? भाई, आपको प्रॉब्लम क्या है? आप ये जट्टी के सामने खड़े, आपको क्या प्रॉब्लम बताइए ज़रा। अभी जैसे आपके सामने हमारे रश्मि मैडम आए थे, कंप्लेंट किए सर, बोले आप लोगों को कि वे विशाखापट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश से आई हुई है और इसके पास कोई टिकट नहीं है। इसका कम से कम 2 साल से इसका फैमिली से कोई बातचीत नहीं हुआ अभी तक। तो मैडम, आप अपना जवाब जैसा आपने सुने हैं कि इन्होंने 3 साल बोले कि अपने फैमिली से बातचीत नहीं हुआ, और कोई टिकट जो आया सर, जो टिकट कट के आया, अंदर से आया, हम लोग को टिकट नहीं दिया, वो अंदर से ब्लैक टिकट काट गया, वो लड़की को टिकट दिया, हम लोग को बोलता है टिकट नहीं। अभी जैसा आपका सामने मिथिलेश कुमार जी ने अपना मुंह जवानी दिया है कि यहाँ से कोई अपनी जान पहचान काउंटर के अंदर गया, टिकट कटवा के लाया और उस बच्ची का हाथ में दिया, बच्चे ने टिकट लेके अंदर गया। तो अगर आप लोग का पास स्पेशल टिकट अगर है, तो आप बाहर से इस तरह काट के क्यों आप पब्लिक को देते हो? डायरेक्ट यहाँ में जो CSF का जो यहाँ में काउंटर है, यहाँ में आप लोगों के लिए अलग से काउंटर रखा है, आप वहाँ के टिकट दीजिए। इतना सारा जो पैसेंजर्स आपके यहाँ में आके खड़े हैं, इसको हरासमेंट पर करके आप लोगों को क्या मिलता? अगर आप लोग के पास कोई सफिशियंट टिकट है, तो आप आके काउंटर में दे दीजिए। आप बिना काउंटर में आके देखे चोरी चुपाई टिकट काट के आप इन कुछ पैसेंजर को आके दे रहे हो, ये तो अच्छा बात नहीं है ना। तो ये जो कंप्लेंट्स आज आपको यहाँ का जो बॉर्डर से हटबे ट्रैवल करने वाला जो पैसेंजर्स है, वो अंडमान एंड निकोबार न्यूज का चैनल के थ्रू से ये जो न्यूज़ आप तक को पहुंचाया जाता है, और आप जो है इसका सलूशन लगाइए। और सबसे पहला बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे जो DSS है, मैं ये जितने भी पैसेंजर्स यहाँ में खड़े हैं, इनका सवाल है कि CST जो सारे अंडमान निकोबार में आप लोग खोल के रखें, CST को आप लोग कितना परसेंटेज टिकट इशू करने के लिए पावर दिया है, और टिकट काउंटर में DSS का वहाँ में कितना परसेंट रखता है, और कितना मेडिकल के लिए रखा है, कितना इमरजेंसी के लिए रखा है, ये ज़रा हमारा पब्लिक जानना चाहते हैं आप लोगों से। मैं आगे भी आपको आता रहूँगा, आगे आप लोग देखते रहेगा अंडमान एंड निकोबार न्यूज़, हर खबर को रखे आगे। नमस्कार।